महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार चुनाव में काफी मेहनत कर रहे हैं, जो दिख भी रहा है। 83 साल के हैं, फिर भी बारामती, बीड, सतारा समेत महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर वो दिन रात प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उनकी सेहत खराब हो गई, इसके चलते डॉक्टरों ने सीनियर पवार को आराम करने की सलाह दी है। इसकी वजह से सोमवार के उनके सभी तय कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। डॉक्टरों से सलाह के बाद पवार और उनके परिवार ने यह फैसला लिया है। अब प्रचार की पूरी कमान खुद सुप्रिया सुले और रोहित पवार के हाथों में है। यही नहीं, अब उनकी पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता भी अपील कर रहे हैं कि वो आराम करें। बीड लोकसभा सीट से एनसीपी शरद पवार की कैंडिडेट बजरंग सोनवाने ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। शरद पवार को आराम करना चाहिए और उन्होंने लिखा है कि साहब आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। बजरंग सोनवाने ने इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सर स्वस्थ रहे। मुझे एहसास हुआ कि स्वास्थ्य कारणों से मैं कल अपने अभियान के लिए आष्टी में आयोजित बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा और सतारा की बैठक याद आ गई। तब आप बारिश को नहीं रोक सकते थे, लेकिन फिर बारिश भी आपको नहीं रोक सकती थी। मालूम हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो गई है। पिछले 5-6 दशकों में आपने ऐसे कई चुनाव देखे होंगे, वे आपके नाम पर हुए। पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र के सहाद्री गर्व से दिल्ली को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सर अब हमारी बात सुनिए और हमें ये लड़ाई लड़ने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ सेहत का ध्यान रखें। बजरंग सोनवाने ने आगे लिखा, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़कर आपने इस देश को दिखाया है। जीत आपको अपने पैरों पर खड़ा करती है। अब अगली जिम्मेदारी हमारी है, ये चुनाव शरद पवार के कार्यकर्ता बनकर लड़े। सर बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये इतिहास है कि महाराष्ट्र दिल्ली के सामने नहीं झुकता। हम उस इतिहास को सहेज कर रखेंगे। आप बस अपनी सेहत को सुरक्षित रखें सर। बताने से पहले विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा था कि सीनियर पवार बीते 20 दिनों से 4 ही घंटे सो रहे हैं। चुनाव में खूब मेहनत करने के चलते थकान हुई और स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। शरद पवार ने बीते दिनों बारामती में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे इस बार ऐतिहासिक जनादेश दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।